कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों के बाद विवादों में घिरे भाजपा सांसद बृजभूषण शरद सिंह अब अपना मुकदमा संतों की पंचायत में रखने वाले हैं। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की कुर्सी गंवाने के बाद बृजभूषण शरद सिंह का यह सबसे बड़ा दाव है। इसके लिए आगामी 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में उन्होंने महारैली का आयोजन किया, जिसमें भारत भर के प्रमुख संत उपस्थित रहेंगे और उनको सुनने के लिए सामने 11 लाख लोगों की बड़ी भीड़ होगी। सीधे शब्दों में कहें तो मंच पर बैठे साधु संत जज की भूमिका में होंगे, तो सामने बृजभूषण शरद सिंह के समर्थकों की भीड़ श्रोता की स्थिति में होगी। यानी भाजपा सांसद ऐसा दाव चलने जा रहे हैं जिससे वो अपने पक्ष में कुछ अंक बटोर सके। बृजभूषण शरद सिंह ने इसके लिए 5 जून की तारीख को चुना है। सुबह 9 बजे से यह महारैली अयोध्या के रामकथा पार्क में शुरू होगी। हालांकि बृजभूषण कहते हैं कि उस दिन संत कुछ कहेंगे और सारा देश सुनेगा। यही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि यह आह्वान मेरा नहीं बल्कि संतों का है। इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए बृजभूषण शरद सिंह अयोध्या के रामकथा पार्क पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 5 तारीख को और नीचे करो ना, हो गया। अयोध्या के संतों ने और उनके साथ पूरे देश से हर प्रांत से प्रमुख संत रहेंगे। आम जनता का उन्होंने आह्वान किया है, संत कुछ कहना चाहते हैं और देश सुनेगा। संत क्या बोलेंगे वो संत ही बताएंगे और उसी दिन बताएंगे। और हम लोग संतों के पीछे खड़े हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि कम से कम 11 लाख लोग यहाँ पर हों और संत कुछ बोलेंगे, संत कुछ कहेंगे और वो 11 लाख लोग संतों के बाड़ी का समर्थन करेंगे। जय श्री।